हेलो एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले बोन की फॉर्मेशन, यानी आपकी जो हड्डियां रहती है वो कैसे बनती है। इसे हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। देखो, हिंदी भाषा में बताऊंगा, पूरी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, मेरी गारंटी है ये टॉपिक क्लियर करके मैं दूंगा आपको। देखो, या तो आप ऑस्टियोजेनेसिस कहो या ओसिफिकेशन कहो, ओस्टियोजेनेसिस और ओसिफिकेशन एक ही बात होती है, ठीक है। देखो जरा, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ बोन आल्सो कॉल्ड ओसिफाइंग प्रोसेस, ये बोल रहा है कि हड्डियों के बनने की प्रक्रिया को ओसिफाइंग प्रोसेस कहते हैं। या तो आप ओसिफाइंग प्रोसेस कह दो, या ओसिफिकेशन कह दो, या ओस्टियोजेनेसिस कह दो, एग्जाम में भी आपको इन तीनों में से किसी एक नाम से पूछा जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। समझते हैं गाइस, फॉर्मेशन में बोल रहा हूँ बनने की प्रक्रिया। आपकी जो हड्डियां है वो हड्डियों के बनने की प्रक्रिया मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि जो हड्डियां रहती है, हड्डियां बनती है, उन प्रोसेस को हम ओसिफाइंग प्रोसेस या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। बोन्स आर डेवलप फ्रॉम ओसियस टिश्यू, हड्डियों का निर्माण ओसियस ऊतकों से होता है, समझो। अब ये ओसियस ऊतक क्या है भैया? टिश्यू है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी तो एक टिश्यू बना, जिसका नाम मैंने बोला है ओसियस टिश्यू या ओसियस टिश्यू, ठीक है। और ओसियस टिश्यू से ओसिफिकेशन होगा या ओस्टियोजेनेसिस होगा, मतलब हड्डियां बनेगी, उसको ओसिफिकेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको कि हड्डियों के निर्माण ओसियस ऊतकों से होता है? ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, याद रखना। हड्डियों का निर्माण करने वाले ऊतकों का नाम होता है ओसियस टिश्यू। यहां तक तो क्लियर होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है मेन परिभाषा, डेफिनेशन। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन इनटू बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस। या तो आप ऑस्टियोजेनेसिस कहो, ऑसिफिकेशन, देखो या तो मैं ऑस्टियोजेनेसिस कहूँ, ऑसिफिकेशन कहूँ, तीनों एक ही बात है, ठीक है। समझिएगा, मैंने एक परिभाषा एक इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है। अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया कन्वर्टिंग हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये चीज आप माइंड में फिक्स कर लो कि एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, एक होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन। इन दोनों से मिलकर ही आपकी बोन यानी कि हड्डियां बनती है। और एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, हड्डियां बनना माँ के पेट में ही चालू हो जाती है। जब बच्चा 8 हफ्ते से ज्यादा का होता है तब उसके अंदर बोन्स की, लंबी हड्डियों की संरचना बनना स्टार्ट हो जाती है, चीज ध्यान रखना। तो बोन फॉर्मेशन ऐसे बड़े में नहीं होती है, ये होती है बच्चों में, माँ के पेट वाले भ्रूण अवस्था में जो बच्चे होते हैं वहीं से बनती है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें देखो दो पॉइंट हाईलाइट है भैया, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन। हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रस, ये दोनों टिश्यू है, ऊतक है। कौन से ऊतक है? कनेक्टिव ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं वो है। वह प्रक्रिया जिसमें हाइलिन कार्टिलेज फाइब्रस मेम्ब्रेन हड्डियों में बदल जाती है ओस्टियोजेनेसिस कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं, या ओसिफाइंग प्रोसेस कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो, इतना फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब आता है बोन, हड्डियों में कौन कौन सी कोशिकाएं मिलेगी। सबसे पहली होती है ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब होता है, देखो मैं बहुत इजी भाषा में हिंदी में समझाता हूँ आपको। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि इमेच्योर, अविकसित कोशिकाएं। जहां जहां ब्लास्ट आता है मतलब अविकसित कोशिकाओं की बात हो रही है, जो विकसित नहीं है, ठीक है। तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है हड्डियों बनने में। बोन फॉर्मिंग सेल, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं का नाम होता है ओस्टियो ब्लास्ट कोशिका है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, गोल्डन पॉइंट में आपको बता रहा हूं। हड्डियां बनाने वाली कोशिका है ओस्टियो ब्लास्ट। एक होती है ओस्टियोसाइट, समझना, अभी मैंने बोला था ओस्टियो ब्लास्ट, ब्लास्ट में ब्लास्ट ब्लास्ट था, अभी साइट, साइट मतलब विकसित कोशिका की बात हो रही है। मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट,
विकसित ओस्टियोब्लास्ट, मतलब जब ओस्टियोब्लास्ट है ना विकसित हो जाती है ना तब उसे ओस्टियोसाइट कहते हैं। दोनों की संरचना अलग अलग है, दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, ये चीज आप लोग माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है ओस्टियोक्लास्ट। अब क्लास्ट की बात करो ना तो ब्लास्ट ना कुछ, ओस्टियोक्लास्ट। अब ये ओस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन ब्रेकिंग एंड मेंटेनिंग शेप, समझो इस पॉइंट को, हड्डियों को तोड़कर आकार नियंत्रित करना। बोन्स तोड़ दी, उसका शेप ने, अब आप बोलोगे सर हड्डियां तोड़ती है, हाँ देखो ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं क्या करती है, अब मेरी लॉन्ग बोन है, यदि वो एक लंबी और एक छोटी हो गई तो गड़बड़ हो गई ना, तो ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं है दोनों का शेप मेंटेन करती है, हड्डी स्कल की हड्डी है उसका शेप नियंत्रित करती है, यदि इधर उधर भगेगी आगे पीछे निकलेगी तो उसको तोड़ देगी और शेप नियंत्रित करती है, इसे बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। हड्डियों को तोड़कर उसका आकार नियंत्रित करती है, कोनों को एजेस को फिक्स करती है, जैसे घर में मार्बल लगाया तो उसकी सफाई के लिए हम क्लीनिंग करते हैं ना, मशीन चलाते हैं, उसकी घिसाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिनिशिंग करते हैं ना, प्लास्टर किया, पुट्टी करी, पेंट किया, इसी प्रकार से हड्डियाँ बनने के बाद उनके शेप को नियंत्रित करना जरूरी, ये करती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, तीन प्रकार की कोशिका है, ओस्टियोब्लास्ट अविकसित कोशिकाएं, ओस्टियोसाइट विकसित कोशिकाएं, ओस्टियोक्लास्ट शेप नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं। मारो स्क्रीनशॉट फटाफट, आगे बढ़ता हूं, फिर लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो टाइप ऑफ बोन फॉर्मेशन, हड्डियां बनने की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है समझो। नंबर वन आता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओस्टियो ओसिफिकेशन या ओस्टियोजेनेसिस। देखो या तो मैं ओसिफिकेशन कहूं ओस्टियोजेनेसिस कहूं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो मैंने ओसिफिकेशन लिखा है। देखो मेरी हड्डियां जो मेरी क्या हम सब की हड्डियां दो स्टेप से बनती है, दो तरह की प्रक्रियाओं से बन सकती है। पहली मैं बताने वाला हूं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, यानी कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ही आपकी हड्डियां बनी। कैसे बनेगी समझो जरा, डेवलपमेंट ऑफ बोन बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन, बोल रहा है कि वह हड्डियां जिनका निर्माण फाइब्रस मेम्ब्रेन से होता है। ये फाइब्रस क्या है भैया? फाइब्रस एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है भैया? कनेक्टिव ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कनेक्टिव ऊतक फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। तो यदि फाइब्रस मेम्ब्रेन आपस में ऐसे जकड़ जाए तो हड्डियां बना लेती है, समझ में आ रहा? और ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा फाइब्रस मेम्ब्रेन के द्वारा हड्डियां बनती है वो कहलाती है इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन, समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल कौन कौन सी हड्डियां बनती है इस प्रक्रिया से, ऑल फ्लैट बोन, चपटी हड्डियां, जैसे कि स्कल चपटी है, चपटी ऐसे नहीं बोल सकते बिल्कुल एकदम पापड़ जैसी फ्लेट है, बट हाँ फ्लेट बोन में आती है, ठीक है। और इरेगुलर बोन, इरेगुलर जिसकी शेप नियंत्रित ना हो, जैसे कि हमारी कमर के पीछे जो रहती है ना लंबर वर्टिब्रा, उसका शेप नियंत्रित नहीं रहता है। और भी बहुत सारी इरेगुलर बोन है जिसका शेप नियंत्रित, बट फ्लेट बोन जैसे कि स्कल हुई, स्कैपुला हुई, स्कैपुला भी चपटी हड्डी है, फ्लेट बोन है, स्टर्नम हुई, स्टर्नम क्या है? चपटी हड्डी है, फ्लैट बोन है। तो ये जितनी भी फ्लैट बोन यानी कि चपटी हड्डियां होती है ना, ये कौन सी प्रक्रिया से बनती है? इसको बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये कि वह हड्डियां जिनका निर्माण उस फाइब्रस मेम्ब्रेन से होता है उसको इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन कहता है। और इस प्रक्रिया से कौन कौन सी हड्डियां बनती है? फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। लो स्क्रीनशॉट फटाफट, आगे बढ़ता हूं, फिर जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से। दूसरा प्रकार, एक प्रकार तो इंट्रा मेम्ब्रेनस से समझा, अब और कौन सी प्रक्रिया है जिससे हड्डियां बन सकती है मां के पेट में बच्चों को? वो होती है
इंट्राकार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन। अब ये इंट्राकार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन क्या होता है समझो, डेवलपमेंट ऑफ बोन बाय हाइलिन कार्टिलेज। ये बोल रहा है कि वह हड्डियां जिनका निर्माण हाइलिन कार्टिलेज से होता है उनको कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं इंट्राकार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस, दोनों एक ही बात है, ऑस्टियोजेनेसिस कहो या ऑसिफिकेशन कहो, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन बाय हाइलिन कार्टिलेज, जिनका हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा निर्माण होता है वह प्रक्रिया हमको इंट्राकार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। क्लियर होना, कौन कौन सी हड्डियां इस प्रक्रिया के द्वारा बनती है, वो बनती है ऑल लॉन्ग बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, जांग की हड्डी फीमर होती है, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब क्या है, लंबी हड्डियां है, लॉन्ग बोन है। तो ये सारी लॉन्ग बोन कौन सी प्रक्रिया से बनेगी, इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन। अब ये इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन क्या है, अभी मैंने बताया वह हड्डियां जिनका निर्माण कार्टिलेजनस टिश्यू से होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन। क्लियर, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां जो होती है, जैसे क्लेविकल, हायोइड बोन, जितनी भी छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, वो सारी छोटी हड्डियां भी इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन से ही बनती है। जैसे कि पैर के अंदर पेटेला होता है, याद है, घुटनों के बीच में, यहाँ पे पैरों में, यहाँ पे घुटनों के बीच में एक चुगोल सा स्ट्रक्चर होता है पेटेला, वो कार्टिलेज का बना होता है, वो कौन सी प्रक्रिया से बनता है, इसी से बनता है। इरेगुलर बोन भी बनती है, देखो कुछ इरेगुलर बोन तो पहले मैंने बताया था उससे बनेगी और कुछ बोन्स इससे बनती है। कोलियर, यहां पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो तीन प्रकार की हड्डियां, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां, अनियमित हड्डियां जिनके अनियमित आकार है, ये तीनों प्रकार की हड्डियां इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन प्रक्रिया से बनती है। लो स्क्रीन शॉट जा रहा है इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। अब गाइस समझाता हूं प्रोसेस बनती कैसे है। देखो जरा, पहले मैं बता रहा हूँ इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन जो पहले डिस्कस कर रहा था ना हमने, जो फ्लेट बोन बनी थी। अब आपकी हड्डियां बन कैसे रही है, प्रोसेस कैसे होती है, समझो बच्चा माँ के पेट में होता है वहां पे हड्डियां बनती है। स्टेप फर्स्ट, सबसे प्रथम चरण में क्या होता है समझो, मैं बोल रहा हूँ मिसेनकाइमल सेल, नया शब्द आया है मिसेनकाइमल, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। मिसेनकाइमल सेल फॉर्म अ क्लस्टर विच डिफरेंशिएट इंटू ऑस्टियोब्लास्ट, बोलना है मिसेनकाइमल कोशिकाएं क्लस्टर बना लेती है और यह ऑस्टियोब्लास्ट में बदल जाती है। तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो डायग्राम, देखो ये डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है। इस डायग्राम में देखो, ये बाहर एक जो है ना ऐसे धागे रेशेदार संरचना दिख रही है, इनको मिसेनकाइमल कोशिकाएं कहते हैं। मिसेनकाइमल कोशिकाएं हड्डियां बनाती है। मिसेनकाइमल कोशिकाएं क्या करती है, मिसेनकाइमल कोशिकाएं क्लस्टर बना लेती है। क्लस्टर, क्लस्टर कुछ नहीं है भैया, दूध में एक नींबू निचोड़ दो तो क्या होता है, पानी अलग हो गया और गुच्छे बन गए ना, क्लस्टर बन गया, यानी कि वो दूध का जो फेट था वो आपस में चिपक गया। इसी प्रकार से जो मेरे मिसेनकाइमल कोशिकाएं अलग अलग है, ये धीरे 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 आपस में चिपकने लगती है, गुच्छा बनाती है, क्लस्टर बनाती है, यही लिखा है, क्लस्टर बना लेती है। और किस में बदल जाती है, जब ये क्लस्टर बन गया, पहले दूध था, दूध में नींबू निचोड़ दिया तो फिर क्या बन गया भैया, मक्खन बन गया, दही बन गया, ठीक है, तो वो अलग बदल गया। इसी प्रकार से मैंने बोल रहा हूँ मिसेनकाइमल कोशिकाएं क्लस्टर बना लेती है, आपस में चिपक जाती है, वो चिपक के ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑस्टियोब्लास्ट वो कोशिकाएं होती है जो कि बोन बनाती है, समझ में आ रहा। ये रही बीच में छोटी छोटी आपको दिख रही है, ये ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये आपस में जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं जुड़ी तो बीच में जाके ये बन गया, और ये पूरे बीच के से, सॉरी बैक हो गया, ये बीच वाले सेंटर को मैंने बोला है ओसिफिकेशन सेंटर, समझ में आ रहा है,
भगोनी है, भगोनी में दूध है, दूध में नींबू निचोड़ा, तो मक्खन बन गया या दही बन गया। जब दही बना तो काई में बना, भगोनी में बना। इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं, ये जो सेल बनी है, बोन बनी है, काई में बनी है, ये ओसिफिकेशन सेंटर में बनी है। ये इस गोल घेरे को ओसिफिकेशन सेंटर कहते हैं, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट बनी, ओस्टियोब्लास्ट कहां से बनी भैया? मिसेनकाइमल कोशिकाओं से बनी। कैसे बनी? मिसेनकाइमल कोशिकाएं आपस में गुच्छा बना लिया तो ये बन गई। और इसके अंदर डॉट 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 एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे ओस्टियोइड कहते हैं। ये ओस्टियोइड क्या है मैं बताता हूं। ये ओस्टियोइड होता है हड्डियों को मजबूती देने वाले मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम। ये हड्डियों को मदद करते हैं मजबूती प्रदान करने में। क्लियर है गाइस? तो ये पहली स्टेप मैंने बोला, मेसेनकाइमल कोशिका है, क्लस्टर बना लेती है। क्लस्टर बना के क्या बदल जाती है? ओस्टियोब्लास्ट में। कहाँ होती है भैया? ओसिफिकेशन सेंटर के अंदर होती है। छोटे छोटे डॉट डॉट पाए जाते हैं उनको। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है गाइस, आप आंखों से हड्डियां बनते नहीं देख सकते, बट अगर आप माइक्रोस्कोप में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसी हिसाब से साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर करी। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है, ओस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस ओस्टियोइड। अभी मैंने बोला कि जो ये ओस्टियोब्लास्ट जो क्लस्टर बना है ना, ये क्या बनाता है? ओस्टियोइड बनाता है, जो कि हड्डियों को, लिखा है यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यहां तक बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए पहली स्टेप में कि भैया हड्डियां कैसे बनी। भैया हड्डियां बनी कैसे? बनी मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती, दो पॉइंट में समझा रहा हूं, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती है, आपस में चिपक जाती है, गुच्छा बना लेती है, क्लस्टर कहूंगा। वो क्लस्टर को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट छोटे छोटे कण प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे डॉट प्रोड्यूस करते हैं, ओस्टियोइड कहते हैं, ओस्टियोइड कहते हैं। ओस्टियोइड जो होता है हड्डियों को मजबूती देता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट स्टार्ट टू मैच्योरिंग एंड फॉर्म ओस्टियोसाइट। पहले भी बोला था, जब ओस्टियोब्लास्ट विकसित हो जाती है तो ओस्टियोसाइट बना लेती है। ये लिखा है ओस्टियोब्लास्ट विकसित हो जाती है और यह ओस्टियोसाइट में बदल जाती है। जैसे डायग्राम में देखो आप, पहले ये जो चारों तरफ, ये बाहर तो मिसेनकाइमल कोशिका है जो क्लस्टर बना रही थी, जो बीच में पहले वाले डायग्राम में देखो, ये पुराना डायग्राम, पिछला मैंने बेक किया, ये जो आपने ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं देखी थी, ये चारों तरफ से ऐसे फैल गई, ऐसे घेरा बना लिया और बीच में विकसित हो गई, जिनको मैंने बोला ओस्टियोसाइट कोशिकाएं, ठीक है। ये बीच में जो है ना, ये विकसित हो गई है ओस्टियोसाइट, और चारों तरफ से इनने घेरा बना लिया, और ओस्टियोइड तो रहेंगे जो कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करते। ये बन गई आपकी हड्डी। अब इसके बाद आपकी हड्डी बनेगी, ये स्क्रीनशॉट लो, बता रहा हूं मैं आगे। ये हो गया डेवलपमेंट। अब आपकी इस तरह का हड्डी का स्ट्रक्चर दिखता है। देखो कॉम्पैक्ट बोन होती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ठीक है। बीच में जो होता है आपकी स्पेस होती है, स्पेस होती है, इसे कैंसिलस बोन कहते हैं। कैंसिलस बोन कौन सी है? जो आपको बीच में छेद दिख रहे हैं, तो छेद अलग है और ये हड्डियां है, स्पंजी होती है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसिलस बोन, ठीक है। ये रहा आपको चारों तरफ ओस्टियोब्लास्ट कोशिका है, वही डायग्राम है सेम। ओस्टियोसाइट बन गई, मिक्सित कोशिका है, ओस्टियोसाइट है, ठीक है। कैंसिलस टिश्यू ये बीच में, ऐसे जब आप हड्डियों को तोड़ते हो तो देखना बीच में इस तरह का आपको ऐसे खांचे दिखाई देते हैं, खोखले खोखले, ठीक है, इसको बोलते हैं कैंसिल। ये आपका कंप्लीटली डेवलप स्ट्रक्चर है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपकी हड्डियों का निर्माण होता है। नोट्स भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लिए हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली खाना बना के दे दो, पीडीएफ दे दो, आप पढ़ लोगे, नहीं। आपको थोड़ी मेहनत करना आनी चाहिए, आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप उससे पढ़ सको। जब तक आप लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग रेंडम आर्टिकल, जब तक आप लोग मेरे चैनल को जाओ, बहुत सारे एनआरटीपीजीओ के लेक्चर आपको डिटेल से मिल जाएंगे विथ नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।